वेलकम स्टूडेंट, आज हम जिस टेक्निक की बात करने जा रहे हैं आज वो है वीईडी एनालिसिस। वीईडी एनालिसिस मतलब क्या है? वाइटर इनिशियल डिजायरेबल आइटम। हम अपने आइटम को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, उसकी कैटेगरी और इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हम इस टेक्निक में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल एक हमारा इनिशियल पार्ट है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। हम इसको आइटम वाइज कैटेगराइज करते हैं। वाइटल आइटम में हम वह सारे आइटम लेते हैं जो कि हमारे ऑपरेशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्रिटिकल्स आइटम है जिनके बेस पर हम अपने ऑपरेशंस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। स्पेसिफिक मशीनरी, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स जो हमारे ऑपरेशन में रिक्वायरमेंट होंगे वो हम यहाँ पर वी में इंक्लूड करेंगे। इनिशियल आइटम्स में जो हमें रिक्वायरमेंट तो है, जिनको हम अपने ऑपरेशन में इम्पॉर्टेंट मानते हैं और जिसकी अगर अवेलेबल ना हो वो आइटम तो हमारा बिजनेस में प्रोडक्शन होना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ऐसे सारे आइटम जो रेगुलरली हमें हमारे ऑफिस में यूज होना है, सप्लायर से हम टाइम टू टाइम बुलाते रहते हैं, और जो कॉमन रॉ मटेरियल है वो सारे आइटम यहाँ पर हमारे पास आते हैं। डिजायरेबल आइटम मतलब जिनके आइटम की इम्पोर्टेंस तो कम है पर वो इम्पॉर्टेंट भी है, हम उन आइटम के बगैर प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते, पर वो आइटम भी हमारे पैकेजिंग के लिए, अपने प्रमोशन आइटम्स, इस टाइप के आइटम हैं जिनके बेस पर हमारा प्रोडक्शन होगा। पर डिजायरेबल आइटम्स ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगा या हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, डिले जरूर होगा पर हम उसके एक ड्यूरेशन के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। वीईडी एनालिसिस के हमारे कुछ एडवांटेज भी हैं, क्योंकि हर मेथड के, हर टेक्निक के कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, तो इस मेथड के क्या एडवांटेज हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो एनालिसिस है ये पूरा टोटल ही हमारा रिसोर्सेस पर बेस्ड है। जो आइटम है जो हमेशा अवेलेबल है उनको हम कैटेगराइज करते हैं, अलॉट करते हैं रिसोर्सेस को, और उसको अलॉट करने के बाद हम अपने इसको प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे ये फोकस्ड आइटम है जो हमारे क्रिटिकल आइटम, नॉन क्रिटिकल आइटम को कैटेगराइज करता है, जिससे होल्डिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो पाती है। वीडी एनालिसिस हमें हेल्प करती है जो हाई रिस्क आइटम है जो हम अपने बिजनेस में जिनको अलाउ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने में ये हमें हेल्प करता है। इसी तरीके से कुछ जो एडवांटेज हैं तो उसके बेस पर हमारे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि हमें ये कहाँ प्रॉब्लम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे डेट स्टॉक को, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमारी कॉस्ट और टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है कि हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये एक क्रिटिकल कंडीशन भी क्रिएट कर देता है कि भाई हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मार्केट में हमें ये टाइम टू टाइम देखना होगा कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कि हम एडवांसमेंट को अडॉप्ट कर पाए और चेंजेस के बेस पर हम कस्टमर का प्रेफरेंस को हम जान पाए। तो अगर हमें कस्टमर प्रेफरेंस देखना है तो हम अपने आइटम्स को बहुत कैटेगराइज नहीं करके रख सकते, उनको बहुत ज्यादा स्टोर नहीं करके रख सकते, तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर। वीडी एनालिसिस जो है फोकस करता है प्राइमरी और क्रिटिकल आइटम्स पर, और वो आइटम जरूरी नहीं है कि हमें जब डिमांड हो वो सप्लायर के थ्रू इजीली अवेलेबल हो सके। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखकर ही वीडी एनालिसिस करना रिक्वायर्ड हो। अब हम ये समझते हैं कि हम इस एनालिसिस को करते कैसे हैं, क्योंकि वीडी एनालिसिस जो करना है ये हम समझ चुके हैं कि भाई आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज को हम सोचेंगे कि अब ये फर्स्ट स्टेप है जो हमें करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा हमारी इन्वेंट्री आइटम में कि भाई इन्वेंट्री आइटम में ये 3 कैटेगरीज हैं, उसमें कौन सी कब डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके लिए हमें
हम एक प्रॉपर एक्सेल सीट बनाते हैं, उसमें वी में क्या रखना है, ई में क्या रखना है, डी में क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग उस डेटा इन्वेंटरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा कि जो हमने क्लासिफाई किया है उसको हम ये देखेंगे क्रिटिकल आइटम कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड में उसको हमने क्लासिफाई कर लिया आइटम्स को, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ये आइटम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारा लीडिंग टाइम क्या है, लीड टाइम क्या है, कब हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको कॉल कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट हम इफेक्टिव ला सकते हैं या वो कॉस्ट हमें अवेलेबल होगा या नहीं होगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज द रिव्यू एंड एडजस्टमेंट अवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। कई बार क्या होता है कि हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, जिसमें हमने लीड टाइम कॉस्ट को भी एनालाइज कर लिया, फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने जो किया है वो प्रॉपर है या नहीं, वो हमारे टाइम को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब मुझे उस स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये भी मुझे देखना होगा। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो हमें उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना और उसको रिव्यू रेगुलरली करना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब हमने तीन कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एनालिसिस में, तो हम ये चेक करेंगे कि कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट ना हो कि जब मुझे स्टॉक की रिक्वायरमेंट हो और रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो रही हो, तो उस ड्यूरेशन के लिए मुझे मॉनिटरी करना भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये बहुत जरूरी है कि जब हम मैनेज कर रहे हैं इन्वेंट्री को, तो उस टाइम ड्यूरेशन को भी मैनेज करें जब हमें उस प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होती चाहिए। थैंक यू वेरी मच।